नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने विवाहेतर संबंधों को अपराध मानने संबंधी दंड व्यवस्था समाप्त की, लेकिन कहा विवाहेतर संबंध सामाजिक दृष्टि से गलत और तलाक का आधार हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा वो 2019 के आम चुनावों में सभी मतदान केंद्रों पर शत प्रतिशत वीवीपीएटी मशीनें लगाने को प्रतिबद्ध। जम्मू कश्मीर में दो अलग अलग मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद, तीन आतंकवादी ढेर। रिजर्व बैंक ने बैंकों में नकदी उपलब्ध कराने संबंधी कैश रिजर्व नियमों को आसान बनाया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल फलस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए दो राष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन किया। और सायना नेहवाल कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उच्चतम न्यायालय ने विवाहेतर संबंधों को अपराध मानने संबंधी दंड व्यवस्था समाप्त कर दी है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने व्यवस्था दी है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 गैर संवैधानिक और मनमानी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विवाहेतर संबंध सामाजिक दृष्टि से गलत और तलाक का आधार हो सकते हैं, लेकिन ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आते। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के अनुसार जो पुरुष किसी ऐसी महिला से यौन संबंध बनाएगा जिसके बारे में वो जानता है कि वो किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है और ये संबंध उसके पति की सहमति या जानकारी के बिना बनाया गया है, तो बलात्कार नहीं कहलाएगा बल्कि वो विवाहेतर संबंध बनाने का दोषी माना जाएगा। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने कहा कि धारा 497 संविधान के तहत प्राप्त मूल अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि धारा 497 से महिलाओं की यौन संबंधी स्वतंत्रता का हनन होता है। उन्होंने कहा कि सम्मानपूर्वक जीवन के लिए स्वतंत्रता मूल आवश्यकता है और धारा 497 महिलाओं को विकल्प चुनने से वंचित करती है। न्यायालय ने कहा कि इस धारा से महिलाओं के समानता के अधिकार और समान अवसर देने के अधिकार का उल्लंघन होता है। पांचों न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में न्यायालय के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट से उसे खत्म किया और मैं उसका वेलकम करती हूँ। ये जेंडर न्यूट्रल नहीं था, ये औरतों के अगेंस्ट था जिसमें औरतों की कोई से नहीं थी लॉ में। ये जो बराबरी का दर्जा दिया गया ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसका स्वागत करती हूँ। और आगे चल के मुझे लगता है हम और ऐसे लॉज जो फॉरवर्ड लुकिंग लॉज हैं को लेके आएंगे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद से संबद्ध एक मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है। न्यायालय को यह तय करना है कि इस मामले में 1994 के फैसले को बड़ी पीठ को भेजा जाए या नहीं। 1994 में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस्माइल फारूकी के मामले में फैसला दिया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का आंतरिक हिस्सा है या नहीं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि फैसले से ये सिद्ध हो गया है कि आधार सरकार के लिए निगरानी रखने का साधन नहीं है, क्योंकि इसके लिए उपलब्ध कराई गई बहुत कम जानकारी का उपयोग करके व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी पाना संभव नहीं है। प्राधिकरण ने कहा है कि आधार का दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ अजय भूषण पांडे ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से आधार को और मजबूती मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में जो आधार पे कुछ सेफ गार्ड्स और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए, जैसे कि मोबाइल और बैंक अकाउंट में जो आधार की अनिवार्यता थी को उसके बारे में कहा है कि अब वो अनिवार्य नहीं रहेगा। और जहां तक कि डेटा का जो सिक्योरिटी का सवाल है उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। तो इन सबका एक बड़ा एक स्पष्ट है कि जो भी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सेफ गार्ड्स लगाए हैं उस सेफ गार्ड से आधार को और मजबूती मिली और लोगों का डेटा सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा और लोगों के मन में आधार के प्रति विश्वास भी कायम रहेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं।
हेलो अंकल। हाँ बेटा। ये दीवार आपकी है? नहीं तो? तो आप इसे गीला क्यों कर रहे हैं? और इसे गंदा नहीं साफ रखने की जिम्मेदारी है आपकी। अच्छा आपके पास मोबाइल है? हाँ है ना। तो नियरेस्ट टॉयलेट गूगल मैप्स पर ढूंढो ना, और देश की दीवारों को गंदा मत करो। चलो अब सॉरी बोलो। सॉरी बेटा सॉरी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अपने शहर को आगे बढ़ाएं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जनहित में जारी। अरे अरे सब सब्जी हमको दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? चटनी है ना माँ जी, उसी से खा लेंगे। नहीं भूल गई, डॉक्टर नी ने क्या कहा था? गर्भ के दौरान गर्भवती माँ को समय से सही और पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, जैसे आयरन और विटामिन युक्त पोषण, पौष्टिकृत दूध और आयोडीन युक्त नमक, हरी साग सब्जी, साथ ही कैल्शियम की निर्धारित खुराक। अब अगर खाना ठीक से खाओगी नहीं तो ये जो जान पल रही है तुम्हारे अंदर, उसको सही पोषण कैसे मिलेगा? और सही पोषण नहीं मिलेगा तो होगा ना कुपोषण का शिकार, यानी दिमाग और शरीर से कुपोषित। सही पोषण देश रोशन, पोषण अभियान के तहत महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और मतदान पुष्टि पर्ची वीवीपैट की आपूर्ति सुचारू है और इसे लेकर चिंता का कोई कारण नहीं है। एक बयान में आयोग ने कहा है कि वो भविष्य में होने वाले आम चुनावों तथा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के उपचुनावों में सभी मतदान केंद्रों पर 100% वीवीपैट मशीन लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बंगलौर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद को 17,45,000 मशीनों का ऑर्डर दिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि अब तक 9,45,000 वीवीपैट मशीनें तैयार हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में दो अलग अलग मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया और 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। पहली मुठभेड़ अनंतनाग जिले में काजीगुंड इलाके में हुई, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया और एक आतंकवादी मारा गया। बडगाम जिले में पंजान इलाके में हुई दूसरी मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने बताया है कि मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद मिले हैं। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वच्छता अभियान तेजी से जन आंदोलन बनता जा रहा है। रांची में स्वच्छता ही सेवा जागरूकता कार्यक्रम में श्री नायडू ने झारखंड सरकार की इस बात के लिए सराहना की कि राज्य में 4 साल पहले खुले में शौच की प्रवृत्ति से मुक्ति का प्रतिशत केवल 16 था, जो बढ़कर 96% हो गया है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि नीति निर्धारण के लिए साक्ष्य आधारित डेटा की जरूरत होती है। आज गुवाहाटी में राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के लिए आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री गौड़ा ने कहा कि जमीनी हकीकत समझे बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। श्री गौड़ा ने कहा, इस सर्वेक्षण से सरकार को बहुत बड़ा फीडबैक मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करना। सही जमीनी आंकड़ों को जुटाना समय की जरूरत है। इसके लिए हम अपने कर्मचारियों और फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि डाटा कैसे जुटाना है। बायो कंट्रोल एजेंट्स यानी कीटनाशक दवाओं के कम इस्तेमाल से किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने में मदद मिल सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक डॉ त्रिलोचन महापात्रा ने कहा है कि किसान कीटनाशक दवाओं का कम इस्तेमाल करके फसल को बीमारियों से बचा सकते हैं और कृषि लागत को कम कर सकते हैं। श्री महापात्रा बेंगलुरु में आज बायोलॉजिकल कंट्रोल पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। पर्यटन मंत्री केजी अल्फोंस ने आज नई दिल्ली में 2016-17 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए दिए गए। आंध्र प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में पर्यटन के व्यापक विकास का पहला पुरस्कार दिया गया। आंध्र प्रदेश पर्यटन को वैश्विक ब्रांड के रूप में उभारने के लिए पुरस्कार दिया गया। इस श्रेणी में केरल ने दूसरा और राजस्थान तथा गोवा ने संयुक्त रूप से तीसरा पुरस्कार जीता।
इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने बताया कि पर्यटन क्षेत्र में पिछले 4 वर्ष में 1,46,20,000 रोजगार उपलब्ध कराए गए। श्री अल्फोंस ने कहा, हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको डबल करने के लिए 3 साल में हमारा फॉरेन टूरिस्ट इनफ्लो डबल करना है, हमारी इनकम डबल करना है। हम लास्ट ईयर में $27 बिलियन था हमारा इनकम, इसको 54 करोड़ पहुंचना है 3 साल में। वी आर गिविंग द अवार्ड्स बेस्ड ऑन व्हाट द कमिटी हैज रेकमेंडेड एंड इट्स वेरी ऑब्जेक्टिव कमिटी हु लुक इन टू एवरीथिंग, सो इफ दे आर गुड दे विल गेट इट। सम ऑफ द स्टेट्स हैव गॉट मेनी अवार्ड्स एंड बिकॉज दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, सो इट डिपेंड्स ऑन देयर परफॉर्मेंस। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मिशन पोषण अभियान विशाखापत्तनम में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देशभर में चलाई जा रही पोषाहार की राष्ट्रीय परियोजना का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं को कुपोषण से मुक्त कराना है। पेश है हमारे विशाखापत्तनम संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। पोषण अभियान का उद्देश्य आंगनवाड़ियों में उपलब्ध प्रमुख सेवाओं के जरिए शिशुओं, गर्भवती महिलाओं, वयस्कों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण में सुधार लाना है। विशाखापट्टनम में इसके लिए महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। विशाखापट्टनम के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक ई रॉबर्ट्स ने बताया कि समुदाय की अधिक भागीदारी और समेकित बाल विकास सेवा कर्मियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन देकर इन सेवाओं की आपूर्ति में सुधार लाने पर ध्यान दिया जा रहा है। अंडर पोषण अभियान आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, पोषण अभियान के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा 5 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों को सेवाएं दी जा रही हैं। विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। सब्बाराम गांव में पोषण अभियान की लाभार्थी वी वनजा गोट्टुवड़ा ने बताया कि उन्हें पर्याप्त पौष्टिक आहार मिल रहा है। सब्बावरम के स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने मुझे पौष्टिक आहार लेने को कहा था। इसके बाद कार्यक्रम के तहत मुझे दूध, अंडे और अन्य पौष्टिक आहार दिए गए। अब मैं स्वस्थ जीवन जी रही हूँ। पालू चेकीलो इस्तेमाल। पोषण अभियान के तहत बच्चों में बौनेपन, अल्प पोषण, खून की कमी और शिशुओं में कम जन्म भार की समस्या को दूर करना है। विशाखापट्टनम से एमएस महेश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। ये आकाशवाणी है। गर्भ के 4वें महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की अनिवार्य नकदी आवश्यकता संबंधी नियम उदार बना दिए हैं ताकि अर्थव्यवस्था में ज्यादा नकदी उपलब्ध हो सके। रिजर्व बैंक के वक्तव्य में कहा गया है कि बैंक अनिवार्य नकदी अनुपात की शर्तें पूरी करने के लिए नकदी कवरेज रिजर्व 13% से बढ़ाकर 15% कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर से यह व्यवस्था लागू करने की भी घोषणा की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद पहली बार इसराइल और फलस्तीन के लिए 2 राष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद कल पत्रकारों से उन्होंने कहा कि 2 राष्ट्रों इसराइल फलस्तीन का सिद्धांत सबसे उपयुक्त उपाय होगा। साइना नेहवाल कोरियाई ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। आज सियोल में क्वार्टर फाइनल में साइना ने दक्षिण कोरिया की किम गा एयून को प्री क्वार्टर फाइनल में लगातार सेटों में हरा दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने मस्जिद में नमाज पढ़ने को इस्लाम का आंतरिक हिस्सा मानने संबंधी 1994 के फैसले को 5 न्यायाधीशों की पीठ को भेजने से इनकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने विवाहेतर संबंधों को अपराध मानने संबंधी दंड व्यवस्था समाप्त की, लेकिन कहा है कि विवाहेतर संबंध सामाजिक दृष्टि से गलत और तलाक का आधार हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह 2019 के आम चुनावों में सभी मतदान केंद्रों पर 100% वीवीपैट मशीनें लगाने को प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया और 3 आतंकवादी मारे गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।